ये देखिए मेरे पास बॉश का दो व्हील है और इस व्हील का पार्ट नंबर है आपका 2608-603-299 जो कि यहाँ भी दिख रहा है और 2608-602-372। ये बॉश के दोनों व्हील चार इंची के ग्राइंडिंग व्हील है और इसका थिकनेस 4 इंची है, जो डायमेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 100 mm × 6 mm × 16 mm, 6 mm इसकी मोटाई है और 16 mm इसका बोर है, दोनों है। और बॉश का जो ये वाला प्रोडक्ट है जिसको हम 372 बोलते हैं, ये क्या है कि सबसे ज़्यादा मार्केट में जनरली चलता है प्रोफेशनल बोल के, और ये बेस्ट फॉर मेटल है, ये थोड़ा प्रीमियम है, इसकी क्वालिटी इस वाले से थोड़ी बेहतर है। तो कई बार ये होता है कि मान लीजिए आपको बहुत ही काम करना है, मतलब टफर काम करना है, जहाँ पे आपको किसी दूसरे व्हील से नहीं मिल रहा है उतना बेनिफिट, उस टाइम पे आप ये 299 व्हील यूज़ कर सकते हैं। तो ये व्हील इतना क्यों, इसका क्वालिटी इससे ज़्यादा है या अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा क्वालिटी का व्हील है, तो थोड़ा इसके हम ग्रेडिंग के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए ये है आपका A24SBF, और जनरली क्या होता है, ये क्या एलुमिनियम ऑक्साइड 24 ग्रिट का है और एस यानी थोड़ा ये हार्डर मटेरियल है, और इसका क्या होता है, हार्डर मटेरियल है यानी ये सॉफ्ट व्हील पे अच्छा काम करेगा, ठीक है। और BF ये क्या है कि बैकेलाइट यानी रेजोनेंट व्हील है, और ये जो F वगैरह होता है ये पीछे क्या है कि कुछ भी लिख देते हैं कंपनी, लेकिन इनका ये उनका इंटरनल कुछ कोडिंग होता है, क्योंकि आगे के जो 3-4 सेंट ये है ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनली ये कोड होना ज़रूरी है, लेकिन पीछे का जो कंपनी का जो इंटरनल फार्मूला होता है उस बेसिस पे वो पीछे का कोड करते हैं, और ये कोड सीक्रेट रहता है उनका, वो पीछे हटा भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो ये चीज़ है, और ये प्रोडक्ट मेड इन फिलीपींस से आपका 372, और 299 भी मेड इन फिलीपींस है, लेकिन क्वालिटी इसकी हाई एड है। क्यों, क्योंकि इसका देखिए A24PBF, इसमें ये दोनों आगे आप देखेंगे कि सेम ही है, ये P है यानी इससे ये व्हील सॉफ्टर है। एक्चुअली ग्राइंडिंग व्हील का एक थंब रूल होता है कि अगर आपके पास मटेरियल हार्ड हो तो व्हील सॉफ्ट होना चाहिए, और अगर मटेरियल सॉफ्ट है तो व्हील हार्ड होना चाहिए। तो जनरली इसकी केस में क्या होगा कि ये कटिंग बहुत फास्ट देगा, और जो इसकी जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है, जो कि आपको यहाँ पे कोडिंग से पता नहीं चलेगा, जो इनका इंटरनल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, जो बॉन्ड की क्वालिटी है, जो जिससे दो ग्रेन आपस में चिपके हुए हैं, वो थोड़ा इससे डिफरेंट है, और जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए इसको बेस्ट इन बेस्ट फॉर मेटल बोला गया है। ये प्रोफेशनल है, जनरल पर्पज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये रीज़न है कि इन दोनों का प्राइस थोड़ा डिफरेंस है। प्राइस की बात करूं तो अगर मान के चलिए, मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं बोल सकता, सपोज़ ये प्रोडक्ट मान के चलिए कि अगर 30 रुपये का है तो इसका दाम लगभग 38 रुपये 40 रुपये के आसपास होगा, यानी लगभग 30% हायर प्राइस होगा इसका। तो ये एक रफली कैलकुलेशन है, बाकी आप मार्केट में पता कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे किसी व्हील से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है तो ये 299 वाला व्हील ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत हाई क्वालिटी का प्रीमियम और अच्छा व्हील है। कोई हार्ड मटेरियल है तो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, हालांकि ये भी अपने आप में बहुत बेहतर व्हील है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे और आपको अच्छा लाइफ चाहिए और अच्छा प्रोडक्टिविटी चाहिए, फास्ट चाहिए, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।